हाय दोस्तों, हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ ये नया ब्लॉग। तो नया ब्लॉग में आज जो मकर संक्रांति होता है ना, मकर संक्रांति हमारे तरफ होता है बंगाली में, तो हम लोग नहाने के लिए जाता है नदी में। तो इधर तो नदी वदी है नहीं, ये तो राजस्थान है, बाली का से बालू है। तो हम लोग तो टॉयलेट जो है बाथरूम है वही नदी है, गर्म पानी से नहा लेंगे, कोई बात नहीं सुबह। लेकिन अभी रात का 9:30 बजा है और हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये देखिए जो हमारे तरफ गांव में होता है, गांव में घर में आज हो रहे हैं, तो हम लोग भी इधर बना रहे हैं। ये देखिए क्या बना रहे पता है, ये देखो ये चाची है, ये चाची है और ये है और ये नारियल नारियलपुर नारियलपुर बनेगा। ये नारियल को लड्डू भी बनाया जाता है। और ये जो है ना, ये चावल का जो पिसा हुआ है, देखिए पाउडर है, ठीक है, इसको बनाया हम लोग घूम पे मिक्सी में पीस के। और ये जो चावल का बनता है तो ये पिठा बनेगा, ठीक है, पिठा ही बोलता है शायद हिंदी में, हिंदी में पिठा बोलता है ना, हिंदी में तो इधर कोई बनाता नहीं है, इधर कोई बनाता नहीं है, लेकिन हम लोग बना रहे। तो आप लोग भी देखिए, क्योंकि मैं हिंदी में ही चैनल है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। हमारा जो बंगाली रेसिपी है, ये एक जो मकर संक्रांति का ये उत्सव होता है, तो उसी का एक रेसिपी है, आप बना सकते हैं। कैसे बनाया मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये पहले चावल देख लीजिए, ये चावल जो है, ये चावल को आपको पीसना है। जो कच्चा वाला चावल होता है ना, कच्चा वाला चावल को आप पहले थोड़ा पानी में भिगा दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा रख के, रखने के बाद 1-2 घंटे के बाद उसके बाद छकना है, उसके बाद उसको मिक्सी से पीस लेना है। पीसने के बाद ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गर्म पानी करना है, उसमें पाउडर को डालना है, जो चावल का पिसा हुआ पाउडर है उसको डाल के ऐसे बनाया है, ठीक है। इसको अभी बनाएंगे जैसे रोटी बनाते हैं, जो हम लोग को क्या बोलते हैं, वो पराठा, जैसे आटा का पराठा बनता है ना, उसी तरह इसको करना है। उसके बाद फूड डालना है, जैसे ये दो बनाए जो, ठीक है। उसके बाद उसको पानी में बना के पानी में उबालना है, इसे बहुत ही इजी है, ठीक है। तो वो भी बना के दिखाऊंगा आपको, तो देखते रहना ये ब्लॉग, ठीक है, एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जरूर एंड तक देखिए, ठीक है, ओके। Yeah.
तो दोस्तों हमारा जो पीठा बनाना था तो बन गया और रेडी है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, तो अभी मैं बना रहा हूँ जो क्या है, नारियल जो पूर था ना वो बच गया इतना, तो इसको अभी लड्डू बनाएंगे। तो देखिए लड्डू को, ये देखिए अभी बना रहा था, ये इतना बना है, अभी थोड़ा और बनाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो पीठा बनाना था वो बन गया, बन के रेडी है। तो कल हम लोग सुबह सुबह मकर चंद जो होता है वो नहा के उसके बाद हम लोग पीठा को गहन करेंगे, ठीक है, सेवन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका हो गया, मतलब हो गया, सो गया। पीठा बहुत बना लिया, ठीक है, और एक अभी तो बना रहा है, ये देखिए खा भी रहा है, ठीक है, आज ही चालू कर दिया, ये देखिए, ठीक है। और क्या बना रहा है ये भी दिखा देता हूँ, वो जो पानी जो बचा हुआ था ना, जो हम लोग पीठा बनाया था उसका जो पानी लास्ट में बचा हुआ था, उसको थोड़ा चावल डाल के और नारियल का पूर था ना उसको भी डाल के मिला के उसको बना रहा है। क्या बना, क्या बना, नाम क्या है? खिस्सा, खिस्का जैसा है, मतलब खिस्सा नहीं है, खिस्सा जैसा, ठीक है। और पीठा तो आपको देखने के लिए मिल गया, यह है इतना बना है। और अभी टाइम देखिए, टाइम बहुत हो गया, ठीक है, 11:30 बज गया, तो 11:30 बज गया जब, तब तो आज के लिए इतना ही। और मैं कौन सा ड्राइंग बना रहा था ये भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, और कितना बना है वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये कौन सा है, देख रहे हैं, ये इतना बन गया। तो आज के लिए गुड नाइट, तो कल सुबह देखा जाएगा, उसके बाद सुबह बनाएंगे थोड़ा सा वीडियो, और उसके बाद तो नहाना थोड़ी नहीं दिखाना है, वो तो अगर मैं गांव में रहता तो दिखाता आपको कैसे मकर संक्रांति के जो नहाता है नदी में, तो नहाना वो नहीं दिखाता, लेकिन हम लोग जो करता वो दिखा देता, लेकिन क्या करें अभी तो गाँव में है ही नहीं, तो हम लोग इधर ही है और हम लोग मना रहे हैं ऐसे ही मकर संक्रांति। तो हैप्पी मकर संक्रांति एडवांस, क्योंकि अभी 11:30 ही बजा है, 12 बजे के बाद मकर संक्रांति होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कल जो होगा मैं दिखाऊंगा, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।